इस्लामी वज़ाइफ और इस्लामी मालूमात के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारे हुदुल नास चैनल का हर नया आने वाला वीडियो आपके मोबाइल में बआसानी आप तक पहुँच सके। और रोज़ा जेड़ा शुरू हुंदा सहरी तो केड़े टाइम तो बोलो सहरी तो मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने सहरी खाया करो। सहरी खान दे अंदर अल्लाह ने बरकत रख दिती है। एक ते सहरी खा रहा, दूसरा नाल बरकत। फरमाया सहरी खाया करो। नंबर दो दूसरी हदीस अंदर एदे रावी ने जनाबे सैयदना अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला नो बयान कर देने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी खाया करो क्योंकि सहरी जेड़ी है वो साढ़े दरमियान ते अहले किताब जेड़े यहूदो ने सारा ने उन्होंने दरमियान सहरी का फर्क है। फरमाया जेड़े अहले किताब ने वो सहरी नहीं खाते, तुसी सहरी खाया करो। एक ते उन्हां दी मुखालफत हो जाएगी ते नंबर दो दूसरी हदीस है फरमाया तसहरू फइन्ना फिस्सुहूरि बरकतुन। ए बुखारी मुस्लिम दी रवायत है। फरमाया सहरी खाया करो तसहरू फइन्ना फिस्सुहूरि बरकतुन। जगां दे पीर अलैहि सलाम फरमांदे ने सहरी खान दे अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है। भावें एक लुकमा ही खाओ, अगर रोटी खान दा दिल नहीं मनदा एक खजूर ही खा लवो, अगर खजूर मुयसर नहीं फिर भी दिल नहीं मनदा। फरमाया भावें एक घुट पानी दी पी लवो, सहरी जरूर करया करो, सहरी जरूर खाया करो। तसहरू फइन्ना फिस्सुहूरि बरकतुन। फरमाया ये सहरी खान दे अंदर अल्लाह ने बरकत रख दी है। और कुरान दे परवानियो जो सहरी का टाइम होंगे, सहरी का टाइम है पिछली रात का टाइम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने एक फरिश्ते हुक्म दे देने, ए मेरे फरिश्ते निदा ला दे, आवाज ला दे, ते आवाज की लांदा या बागी अल खैर अकबिल, या बागी अशर अकसिर। फरमाया ओ नेकियां दे मुतलाशिया, नेकियां करन वालिया, नेकियां दा सीजन आ गया ई, नेकियां दा महीना आ गया ई, ते जल्दी कर नेकियां कर ला। ओए बंदिया उठ पा, उठ पा। लोग जिथे सारे उठे ने एलानात हो रहे ने, तू भी उठ के ते वुजू कर ला, कुरान दियां तिलावतां शुरू कर दे, नफलो नवाफल पढ़ना शुरू कर दे। होर नहीं ते फिर बैठा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ए दे विरद वजीफे करने शुरू कर दे। और कुरान दे परवानियो हदीस पाक दे अल्फाज ने जेड़ा बंदा ए रमजान दे महीने दे अंदर एक हरफ पढ़ दे, बोलो एक हरफ, आम दिना दे अंदर एक हरफ पढ़न नाल दस नेकियां किन्नियां, और ये उम्मते मुहम्मदिया वास्ते वे। हाला पहले जिन्ने सन वह पढ़ते सन ना एक हरफ ते एक ही नेकी लभदी सी, उम्मते मुहम्मदिया ते ए रब दा खास करम है। एक हरफ पढ़दा ते नेकियां दस। रमजान दा महीना आउंदा, बंदा एक हरफ पढ़दा ते अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्दे नामा अमाल अंदर सत्तर नेकियां लिखवा देंदे। और एक रवायत अंदर आंदा कि अल्लाह उन्दे नामा अमाल अंदर सत्त सौ तक नेकी दर्ज करवा देंदे। सत्त सौ नेकी एक हरफ पढ़न दे ना, एक रुपया खर्च करन नाल सत्त सौ का सवाब।
हाय और नेकियां दा सीजन है और माहे मुकद्दस नेकियां वाला महीना ते कुरान दे परवाने हो ये मौका बार बार आना एक वक्त आना। नज़र मारो हाँ पिछले रमज़ान किन्ने साथी मौजूद सन लेकिन आज वो नज़र बोलो हो सकता है अगला रमज़ान पता नहीं साढ़े नसीब विच होना या नहीं होना। इस वास्ते ये रमज़ान इनू गनीमत समझो। फरमाया सैरी खाया करो, सैरी खान अंदर रब ने बरकत रखी ते सैरी करवाया करो, सैरी बोलो सैरी करवाया करो। महल्ले दे अंदर गली दे अंदर देखो कोई गरीब आदमी है मिसकीन आदमी है ओदे कोले इन्ने वसाइल नहीं ते ओदे घर खाना पहुँचा दियो। सैरी खाना भी बरकत ते भेजना वह भी अजर ते सवाब। और इस तरह अफतारी मेरे और तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा किसी की अफतारी करवाउंदा है ना किसी की अफतारी पेट भर के उन्हों खिलाउंदा दुध दे गिलास नाल अफतारी करवाउंदा लस्सी दे गिलास नाल अफतारी करवाउंदा शरबत दे गिलास नाल अफतारी करवाउंदा खजूर नाल अफतारी करवाउंदा अगर कुछ भी नहीं तो मस्जिद दियां टूटियां तो पानी भर के ही किसी नूं पेश कर देंदा। अगर इन्नी हिम्मत नहीं तो मस्जिद दियां टूटियां तो ही गिलास भर के किसी नूं रोज़ेदार नूं पेश कर देंदा। फरमाया तेरा एक गिलास उन्हों पकड़ान दे नाल मैं तेनू इन्ना अजर दियांगा तेनू ते रोजे दा सवाब मिलना ही मिलना उन्हों अफतार करवाया ते मैं ओदे अफतार दा भी तेनू अजर ते सवाब अता कर दियांगा। उन्हों कौन आखे इंज नहीं ती इंज कर।